हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पुपेट टूल के बारे में। आफ्टर इफेक्ट के अंदर किस तरह से आप इस टूल को यूज में ले सकते हैं। इस टूल की मदद से आप किसी भी रास्टर फोटो, वेक्टर ग्राफिक्स, किसी भी टेक्स्ट के को आप नेचुरल तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आफ्टर इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर कॉम्प वन के अंदर, ये कंपोजिशन वन है मेरे पास में, यहाँ पर एक कार्टून की इस तरह से फोटो लेके आया। देखिए, तो ये मेरे पास में कार्टून है। कार्टून हो या फोटो हो या टेक्स्ट हो, कोई भी रास्टर वेक्टर आप जिस पर चाहे यूज ले सकते हैं। तो किसी भी आप लेयर को, ये लेयर है हमारे लिए, और इस लेयर को हम क्या करेंगे यूज, इस लेयर के ऊपर हम यूज ले रहे हैं। टूल बार के अंदर यहाँ पर है पोपेट पिन टूल, कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल पी दबाएंगे टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर तीन टूल है, पोपेट पिन टूल, पोपेट ओवरलैप टूल, पोपेट स्ट्रेच टूल। तो पुपेट, पुपेट का मतलब हिंदी में क्या होता है, पुपेट का मतलब होता है कठपुतली। तो आप किसी भी लेयर को किस तरह से कठपुतली की तरह एनिमेट कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, लेकिन पुपेट का मतलब होता है कठपुतली। तो देखिए किस तरह से इस टूल को यूज में लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आएंगे आपको। यहाँ पर जो मेस है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पर टिक आपको नहीं मिलेगा, आप इसे शो करेंगे तब आपको शो होगा। लेकिन शो करने से भी अभी आपको मेस नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप पहला क्लिक करेंगे, पहली पिन बनाएंगे यहाँ पर, वैसे आपको मैश यहाँ पर जनरेट होने के बाद में दिखाई देगा। ये पिन मान लीजिए मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ, एक पिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक पिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। कहीं पर भी आप पिन बनाएंगे, उस पिन को बनाने के बाद में इस तरह से हिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हिलेगा, इस तरह से ये एनिमेट हो जाएगा। देखिए, तो आप इस तरह से इसे एनिमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पिन आप बनाते हैं, एक ही पिन अगर मान लीजिए आप बनाएंगे तो बाकी जो दूसरा पार्ट है उसको आप रखने के लिए, ग्राउंड से अटैच रखने के लिए आप दूसरी पिन बनाएंगे। और जैसे इस हैंड के ऊपर मैंने बनाई, इसे आप ऊपर नीचे इस तरह से ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए आपको लेनी है पिन, तो इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हैं। ये मेज आपको नहीं देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं, आप डायरेक्ट इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर जो ऑप्शन है एक्सप्रेशन और ट्रेंगल्स, इसके अंदर जो आप मेस देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप ट्रेंगल्स कम करेंगे, जैसे मैं ट्रेंगल्स यहाँ पर कम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये ट्रेंगल्स जो त्रिभुज जैसे पार्ट्स है वो कम दिखाई दे रहे हैं। जितने ज्यादा आप ये ट्रेंगल्स यहाँ पर रखेंगे उतना बारीकी से आप इमेज को एनिमेट कर पाएंगे, और जितने कम रखेंगे उतना जल्दी रेंडर होगा। तो ज्यादा रखेंगे तो रेंडर धीरे धीरे होगा फिर। और एक्सप्रेशन से क्या है, यहाँ पर ये जो बाहर निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये पीएनजी फोटो है और फोटो यहाँ तक है, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये बाहर की साइड में यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर आप इसको माइनस में लेके जाएंगे तो ये फिर अंदर की साइड में यहीं पर सिमट के रह जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा मैं माइनस अंदर की साइड में ले रहा हूँ, फिर जैसे ही आप इसे इधर उधर लेके जाएंगे तो इसका एक पार्ट जो है बीच में से उतना ही चला जाएगा, बाकी जो ओरिजिनल जगह पर रह जाएगा। इसलिए आप इसको जीरो या जीरो से बढ़ा के एक तक इस तरह से इसको यूज लें, जीरो या जीरो से ज्यादा, ताकि पूरी की पूरी फोटो यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूं, और यहाँ पर जो आप पिन बनाएंगे उसकी स्टॉप वॉच ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। स्टॉप वॉच मतलब ये जो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर, इनकी प्रॉपर्टी के अंदर जो यहाँ पर स्टॉप वॉच एक्टिव करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो पिन आप बनाएंगे उसकी एक्टिव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर पिन बनाऊंगा तो इसकी भी स्टॉप वॉच यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। और आप जब इसे एनिमेट करेंगे तो कंट्रोल का बटन दबा करके फिर आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। और किसी भी पिन को डिलीट करने के लिए, जैसे इसको डिलीट करना है, डिलीट का बटन दबाएं, इस तरह से सिलेक्ट करके हो जाएगी। कंट्रोल दबा करके किस तरह से एनिमेट करेंगे, जैसे इस पिन को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं इधर उधर इस तरह से ले रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं कंट्रोल दबाऊंगा, पहले मैं यहाँ से कंट्रोल दबाऊंगा। कंट्रोल दबाने के बाद में जैसे ही उस पिन के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा तो देखिए स्टॉप वॉच जैसा आइकन यहाँ पर ये नजर आ रहा है। और फिर कंट्रोल दबाने के बाद में जैसे मैं इसको इधर उधर ले आऊंगा तो देखिए नीचे यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर स्टार्ट हो गया है। जैसे हमने मोशन स्केच के अंदर देखा था ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही थी, कुछ उसी तरह से यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। अब देखिए जो हमने एनिमेट किया है, प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्ले हो रहा है।
और ये जो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी सेटिंग, उसके ऑप्शन यहाँ पर है कि स्पीड आपको किस स्पीड के ऊपर रिकॉर्ड करना है। 25% यहाँ पर 100% बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर 25 कर रखा है कि कम स्पीड के अंदर आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर है स्मूथिंग, जो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर जो की फ्रेम बनेंगे वो कितने स्मूथ होने चाहिए, जो हमने मोशन स्केच देखा था उसी तरह से यहाँ पर है। ओके कर देंगे। यहाँ पर ये जो शो मेस का है, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे उस टाइम आपको मेस देखना है नहीं देखना है, कंट्रोल दबाने के बाद जैसे रिकॉर्ड करेंगे ये जो यहाँ पर आपको मेस दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये आपको देखना है या नहीं देखना है उसके लिए है। शो मेस को हटा देंगे तो फिर ये कुछ इस तरह से लाइन्स दिखाई देगी यहाँ पर। यहाँ से मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ, सिर्फ ये लाइन्स आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर कई सारे जब आप पिन बनाएंगे, जैसे इतने सारे आपने यहाँ पर पिन बना रखे हैं, और पिन मैंने यहाँ पर बना दिया, ये यहाँ पर पिन बना दिया, इन पिन को अगर कई सारे पिन को एक साथ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मेस को यहाँ से आप चाहें तो शो हाइड कर सकते हैं। कई सारे पिन को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाया और इस पिन को सिलेक्ट किया, इस पिन को सिलेक्ट किया, इस पिन को सिलेक्ट किया इस तरह से, और बाद में किसी भी एक पिन को सिलेक्ट करके आप इधर उधर करेंगे तो सभी पिन यहाँ से एनिमेट हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। लेकिन आप अगर सभी पिन एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो सभी पिन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर पोपेट पिन को सिलेक्ट कर रखा है, पोपेट पिन आपको सिलेक्ट करनी है तो वो सभी हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई एक आपने ओवरलैप या पोपेट स्ट्रेस पिन को आपने सिलेक्ट कर रखा होगा तो वो सभी उसी तरह की जो एक तरह की पिन होगी वो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल ए करेंगे इस तरह से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अल्ट दबाएंगे, जैसे आपने अल्ट का बटन दबाया उसके बाद में इस तरह से ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग किया तो पिन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, देखिए इतनी सिलेक्ट करनी है तो ये ड्रैग करेंगे अल्ट दबाने के बाद में तो इस तरह से हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर आप कोई भी पिन बनाएंगे, पिन बना के आप इधर उधर लेंगे इस तरह से तो ये वायर साथ में हो रहा है, लेकिन आप अल्ट दबाएंगे फिर इधर उधर लेंगे तो सिर्फ वायर्स होंगे और जो नीचे आपकी फोटो होगी वो साथ में नहीं आएगी अल्ट दबाने से, अदरवाइज साथ में जा रहे हैं वायर्स और फोटो देखिए। और अगर आप अल्ट दबाएंगे, पहले क्लिक करेंगे फिर अल्ट दबाएंगे तो इस तरह से सिर्फ वायर्स आएंगे, पहले अगर आप अल्ट दबा लेंगे तो आप फिर इस तरह से ड्रैग करने का ऑप्शन आपके लिए आएगा। तो इतने सारे ऑप्शन है पुपेट टूल के अंदर, आप मान लीजिए इसे एनिमेट करना चाहें, कंट्रोल दबाए दबाए इस तरह से ये आपने एनिमेट कर दिया, तो इतना एनिमेशन आप देखना चाहें। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये आगे आ रहा है तो ये जो पैर है वो पीछे की साइड में जा रहा है, जैसे हमने एनिमेशन किया ये पैर जो है वो पीछे की साइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पैर आगे की साइड में होना चाहिए। इस तरह से मान लीजिए किक मार रहा है तो ये पैर जो है वो यहाँ पर पीछे की साइड में जा रहा है, तो ये आगे किस तरह से आएगा। इस ओवरलैप को सही करने के लिए यहाँ पर एक टूल है, वो है पोपेट ओवरलैप टूल, इस टूल को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद में शो मेस कर दें, मेस यहाँ पर दिखना चाहिए और यहां पर आप जाएंगे तो ये जो पार्ट आपको ऊपर रखना है उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर एक पिन बनाएं, जैसे आपने पिन बनाई अब ये वाला पार्ट क्या होगा ऊपर रहेगा, जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखिए ये देखिए तो ये पार्ट ऊपर रह रहा है, लेकिन जो इस यहां तक का रह रहा है जो थोड़ा सा रह गया वो अभी भी पीछे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पिन को बनाने के बाद में पिन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, जैसे आप एक्सटेंड करेंगे जो पिन का एरिया है वो बढ़ जाएगा थोड़ी ज्यादा दूर तक, ये फिर इस तरह से ऊपर रहेगा पार्ट, अब यहाँ तक का जो पार्ट है ये ऊपर रहेगा, यहाँ पर जो फ्रंट में रहेगा उसका लेवल यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो पार्ट हमने ऊपर लिया है इस बार पूरा ऊपर आना चाहिए, ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ऊपर आ रहा है, ये देखिए प्ले करेंगे ये इस तरह से, तो जो पार्ट आपको ऊपर रखना है उसके लिए पोपेट ओवरलैप टूल आप इसके लिए यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोपेट स्ट्रेच टूल, इसको आप किस तरह से यूज में लेंगे उसके लिए मैं दूसरी यहाँ पर एक फोटो ले आता हूँ, जो कार्टून की फोटो है ये मैं ले आया हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसी तरह से मैं यहाँ पर कंट्रोल पी से टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, पुपेट पिन से कुछ पिन बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हैंड के ऊपर जो मैंने पिन बनाई है इसको इस तरह से मैं
इधर उधर करूंगा। तो मान लीजिए मैं इसको अब यहां पर मैंने की फ्रेम बना दिया, जहां पर आप अपने टाइम इंडिकेटर को रखेंगे वहीं पर वो सारी पिन के जो है वो की फ्रेम बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर की फ्रेम बन गए, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं यहाँ से वर्क एरिया को स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर देखिए अब यहीं से मैं कंट्रोल दबाते हुए कंट्रोल दबाया, अब रिकॉर्ड करूंगा। ये इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पर इधर जा रहा है, इस तरह से इतना पार्ट है। अब इसको प्ले करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हाथ है वो पूरा पूरा एक सर्किल के अंदर घूम रहा है, जो नेचुरली ऐसे नहीं होना चाहिए। नेचुरली ये यहाँ पर बोन है, जो ये वाली बोन और ये हड्डी जो है दोनों वो सीधी रहती है, सिर्फ यहाँ से ही घूमना चाहिए, यहाँ से ही होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच टूल यूज में ले सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप पोपेट स्ट्रेच टूल सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पोपेट को सिलेक्ट करेंगे, मैश सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में एक पिन यहाँ पर बनाएंगे। तो उसी की तरह यहाँ पर जो हमने पिन बनाई है, यहाँ पर हमने पिन बनाई और उसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं कम ज्यादा कितनी दूर तक। ये जो पार्ट यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर हड्डी की तरह कड़क होगा, वो फिर मुड़ेगा नहीं। एक पिन यहाँ पर बना देते हैं, ये भी मुड़ेगा नहीं। इस तरह से ज्यादा एक्सटेंड आप ना करें, जितने जरूरत हो उतना ही हम एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए अब जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो इतना जो पार्ट होगा वो नहीं मुड़ेगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से खराब हो रहा है, लेकिन उसको नजदीक नहीं लाएंगे तो वो नहीं होगा। फिर ये देखिए जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना पार्ट जो है किसी भी हाल के अंदर यहाँ पर मुड़ नहीं रहा है। तो इस तरह से आप इसे यूज में ले सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ। देखिए आप चाहें तो टेक्स्ट के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एस और ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर पुपेट टूल को यूज में लेना है। क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आप यहाँ पर भी यूज ले सकते हैं और टेक्स्ट को भी कुछ इस तरह से आप बनाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें किस तरह से आप इस टूल को यूज में अलग अलग तरीके से ले सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सीख पाएंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नए वीडियोज डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप मेरे पुराने वीडियोज भी देख पाएंगे। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।